चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें, पाली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाली से इस वक्त की बड़ी खबर, पाली एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, पाली एसीबी टीम की जैतारण में कार्रवाई की गई। ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार को ट्रैप किया गया। एसीबी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। प्रशासन गांवों के संग शिविर में पट्टा जारी करने के एवज में घूस मांगी थी, तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई। पाली एसीबी टीम की जैतारण में बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमरी को ट्रैप किया। एसीबी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है, तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। प्रशासन गांवों के संग शिविर में पट्टा जारी करने की एवज में घूस मांगी थी। पाली एसीबी टीम की जैतारण में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुबरी को ट्रैप किया है। 40,000 रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया। एसीबी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। प्रशासन गांवों के संग शिविर में पट्टा जारी करने की एवज में घूस मांगी थी, तो पाली एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई जैतारण में सामने आई। ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार को ट्रैप किया है। एसीबी ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। प्रशासन गांवों के संग शिविर में पट्टा जारी करने की एवज में 40,000 की घूस लेते एसीबी ने मुकेश कुमार को ट्रैप किया है, तो पाली एसीबी टीम की जैतारण में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अनिल मारू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अनिल, देखिए, एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जैतारण में सामने आई है। ग्राम विकास अधिकारी को 40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है, क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? आयुष, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने गाँव के लोगों को सुविधा देने के लिए प्रशासन गांवों के संग शिविर जो है वो गांव-गांव में लगाए जा रहे हैं, इसके माध्यम से लोगों को जो है राहत मिलेगी। लेकिन अब जो देखा गया है, जैतारण के अंदर प्रशासन गांवों के संग शिविर के अंदर पट्टा देने की एवज में जो रिश्वत मांगी गई थी ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा, तो परिवादी ने जो है एसीबी को इस बारे में सूचना दी और एसीबी ने आज जो है ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का ये ग्राम विकास अधिकारी बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है जैतारण में ये पूरी कार्रवाई की गई है। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पट्टे जो है वो गाँव के अंदर वितरित किए जाने चाहिए, निःशुल्क पट्टे वितरण करने का जो है कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार से एक कार्मिक द्वारा जनता से इस प्रकार से पैसे मांगने की जो बात आई है सामने, ये कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और एसीबी ने अभी कार्रवाई की है। जी शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पाली एसीबी टीम की जैतारण में बड़ी कार्रवाई सामने आई है।